हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है बारबेल स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज बारबेल स्ट्रेटजी एंड व्हाई इज इट कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड यूज किया गया हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बारबेल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल ये वर्ड आया, तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है और इसको क्यों यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर सिप्रा श्रीवास्तव स्टूडेंट। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड दिस इज माई ऐप शिप्रोनॉमिक्स, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। एंड इस ऐप पर स्टूडेंट आपको बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, लाइक UGC नेट का कोर्स है, RPSC के सारे कोर्सेज हैं और अब PGT के साथ TGT के भी कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो PG के स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए भी कोर्सेज अपलोड कर दिए गए हैं। और स्टूडेंट, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टूडेंट। सबसे पहले ये जो वर्ड है अजाइल, अजाइल का मतलब क्या होता है? एबल टू मूव क्विकली एंड ईजली। हम कोई भी काम अगर बहुत जल्दी करें और बहुत ही आसानी से करें, तो ये वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि इंडिया में जब कोविड चल रहा था तो कोविड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को जल्दी काम करने की जरूरत थी और काफी सुविधा अनुसार काम करने की जरूरत थी। क्योंकि देखो, किसी भी महामारी को रोकना हो या कोई भी असाइनमेंट हो, उसमें कैपिटल इन्वॉल्व होता है, पूंजी लगती है, पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे को, चाहे वो प्राइवेट कैपिटल हो या गवर्नमेंट का कैपिटल हो, सरकारी पूंजी हो या निजी पूंजी हो, रिस्क सभी जगह है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये देखते हुए कि पूंजी कहाँ कितना लगाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वाटरफॉल स्ट्रेटेजी की जगह बारबेल स्ट्रेटेजी यूज किया और उसको अपने इकोनॉमिक सर्वे में डाला। तो वाटरफॉल स्ट्रेटेजी क्या है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लेके चलेंगे बारबेल स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल मैंने आपको बताया, किसी भी काम को जल्दी करना और सुविधाजनक रूप से करना। कोई काम करने में अगर हमें देर होता है, मान लो कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है, उसको बनाने में अगर देर होता है तो उसके बहुत ही बुरे रिपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अजाइल को मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल हम चले बारबेल स्ट्रेटजी। देखो, बारबेल की फोटो आप यहाँ देख रहे हो, ये है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपको पूंजी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टर्म है। पूंजी बाजार में बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, मीडियम टर्म बॉन्ड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। तीनों तरह के होते हैं। रिस्क जो है वो सभी में इन्वॉल्व है ना, जो भी जोखिम है वो तीनों में है, लेकिन हमें हमारे कैपिटल को वही लगाना है जहां पर जोखिम कम से कम हो। तो ये स्ट्रेटजी बताता है कि अपने 100% पूंजी को, 100% कैपिटल को हम रिस्क फ्री नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम अगर ये चाहें कि हम अपने 1 लाख को बिल्कुल रिस्क फ्री करें, ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये स्ट्रेटजी बताता है कि हमें अपने कम से कम 90% कैपिटल को सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए और 10% को रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। तो देखो, दो तरह के इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की बात की गई है ना, बाइनरी अप्रोच को लिया गया है। एक तरफ आप देख रहे हो एक्सट्रीमली एग्रेसिव और दूसरी तरफ आप देख रहे हो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। मतलब दोनों तरफ बराबर निवेश करना चाहिए। जो ज्यादा रिस्क वाले बॉन्ड है वहां भी पैसे लगाने चाहिए, जो कम रिस्क वाले बॉन्ड है वहां भी पैसे लगाने चाहिए, है ना। और इंटरमीडिएट जो बीच वाले जितने भी बॉन्ड है जिसमें ज्यादा या कम का खतरा नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जाती इस बारबेल स्ट्रेटजी में। इसका मतलब देखो, दो तरह के हम बॉन्ड को लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बॉन्ड पे आपका कूपन रेट अगर फिक्स है तो वो बॉन्ड मार्केट के रिस्क से जूझता है। अगर कूपन रेट 5% है और इंटरेस्ट रेट उससे कम या ज्यादा होती है तो बॉन्ड में रिस्क है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का। लेकिन लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है क्योंकि कूपन रेट फिक्स है और लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दोनों ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ये स्ट्रेटजी है। दिस मींस हैविंग अ बाइनरी अप्रोच।
ठीक है. तो व्हाट इज अ बारबेल स्ट्रेटजी? अ बारबेल स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट 90% ऑफ योर कैपिटल इज रिस्क फ्री. रेस्ट 10% यू कैन डू ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट. तो इसमें आप जितनी भी आपकी पूंजी है उसको दोनों ही बॉन्ड पर लगाने की बात कही जाती है, शॉर्ट टर्म वाले पर भी और लॉन्ग टर्म वाले पर भी. तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी अप्रोच और बारबेल स्ट्रेटजी, जिसको कैपिटल मार्केट में यूज किया जाता है. तो गवर्नमेंट का जो फंड है COVID-19 से रिकवर करने के लिए, गवर्नमेंट को अपने फंड को भी लगाने की जरूरत थी. तो गवर्नमेंट ने वॉटरफॉल स्ट्रेटजी की जगह बारबेल स्ट्रेटजी को अपनाया और इसको कहा गया इकोनॉमिक्स ऑफ अजाइल. देखो, बारबेल रणनीति में मैंने लिख दिया है एक पोर्टफोलियो होगा जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों बॉन्ड होंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों बॉन्ड होंगे, और इसमें कोई मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बॉन्ड नहीं होगा. और किस बॉन्ड को अल्पकालिक कहते हैं, किसको दीर्घकालिक कहते हैं, वो भी मैंने लिख के रख दिया यहाँ पर. 5 साल से कम के हैं या 10 साल से ज्यादा के हैं, उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स को डिवाइड करते हैं. तो बॉन्ड में रिस्क है, लेकिन फिर भी अपनी पूंजी को किस तरीके से कम 90% पूंजी को सिक्योर किया जा सकता है. तो अजाइल अप्रोच क्या है? देखो स्टूडेंट, कोई भी काम अगर हम समय से करें और सुविधाजनक रूप से करें तो उसमें हमेशा प्रॉफिट ही है. अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप मान लो दवा फैक्ट्री है, या फिर कोविड की हम बात कर ले, कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनाने की बात थी, ये क्या एक प्रोजेक्ट है? कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की बात थी कि वैक्सीन तैयार किया जाए. अगर वैक्सीन बनाने में बहुत ज्यादा डिले किया जाता तो उसका जो परिणाम था बुरा हुआ भी और बुरा है कि बहुत सारे डेथ्स देखने को मिले. तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप टाइम से पूरा नहीं करते हो तो उसके बहुत ज्यादा ही लॉस है, और अगर हम टाइम से पूरा करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है. तो अजाइल अप्रोच को अपनाने का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को बहुत ही जल्दी करना और बहुत ही सुविधाजनक रूप से करना. तो इसी को अजाइल अप्रोच गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया. अजाइल अप्रोच में क्या होता है? रिड्यूस वेस्ट. अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को टाइम से करते हो तो वेस्टेज कम होती है. अगर आप जल्दी किसी चीज को पूरा करते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना. कहते हैं कि अगर किसी काम को आपने देर किया, जैसे हम जस्टिस की बात करते हैं, अगर न्याय मिलने में देर होता है तो हम कहते हैं वो न्याय मिला ही क्यों, ठीक है. तो इसी तरीके से अगर कोई काम हम टाइम पे करते हैं तो वो काफी फ्रूटफुल होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. और अगर हम किसी काम को डिले करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो जैसे COVID-19 के टाइम में अगर वैक्सीन बनने में डिले होता तो इसको हम कहते हैं कि भाई डिले हो रहा है, इसका मतलब ये काम फ्रूटफुल नहीं है, इस काम की वैल्यू कम है. लेकिन टाइमली वैक्सीन बन गया और उससे काफी ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सका. तो दिस इज कॉल्ड अजाइल अप्रोच, है ना. और इसमें काफी ज्यादा, इसलिए इस वर्ड को गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश किया, बारबेल टेक्नोलॉजी, बारबेल स्ट्रेटजी एंड अजाइल अप्रोच. इसके पहले गवर्नमेंट वाटरफॉल स्ट्रेटजी को अपनाती थी, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी. तो आई होप मैंने आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में बता दिया है. बारबेल स्ट्रेटजी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड वर्ड है जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं. एंड अजाइल स्ट्रेटजी, अजाइल टेक्निक जो है वो है किसी भी काम को समय पे पूरा करना ताकि उस काम की वैल्यू बनी रहे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय.